हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मूवी रिव्यू ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले मुंबई डायरी का एपिसोड 1 का रिव्यू। बेसिकली देखिए भाई, इतना सारा एपिसोड आ रहा है, एक रिव्यू में आप सारे एपिसोड के रिव्यू नहीं कर सकते। बेसिकली हर एक एपिसोड 45 मिनट से अबव है, तो आप बेसिकली एक एक एपिसोड का रिव्यू करें, जिससे ऑडियंस भी होगा जिसको अच्छे से समझ में आएगा कि हर एपिसोड में क्या हुआ, आखिर कैसे हुआ। तो बेसिकली 26/11 की कहानी मुंबई डायरीज में दिखाई गई है, लेकिन ये इस बार जो दिखाई गई है एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए तरीके और बेसिकली नया एक स्टाइल से दिखाई गई, मतलब एक नया डॉक्टर के तरफ से दिखाई गई कि फाइनली जब वो एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल्स में क्या गुजरते हैं, जहाँ पर एक बेस्ट बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं और जहाँ जहाँ बेस्ट बेस्ट इंटर्न्स भी आते हैं। तो बेसिकली इंटर्न्स भी उस समय चल रहा था और उस समय की कहानी बेसिकली दिखाई गई। तो पहले तो कहानी एक पिक्चराइज करके दिखाई गई कि कैसे एक डॉक्टर जो कोई रूल्स नहीं मानता है और बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ ह्यूमन को बचाना चाहता है, वो ह्यूमन ये नहीं सोचता है कि वो ह्यूमन ह्यूमन क्या है, वो टेररिस्ट है या वो कोई गलत काम किया है, एक्सीडेंट है, वो पुलिस पुलिस केस वेस का कोई इंतजार नहीं करता, वो पहले ह्यूमन को बचाता है। अगर ह्यूमन बच जाता है तो फिर तो आगे आप केस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, और फिर जब पूरे फाइनलाइज कहानी को एट द प्रेजेंट में लाने की कोशिश की जाती है जो 26/11, तो उससे लाते लाते एक लास्ट में ट्विस्ट बच जाता है जो डॉक्टर के ही कलेक्स में से कोई एक को डेथ हो जाता है। तो फाइनली वहां पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और क्योंकि जब ये पूरा एपिसोड पिक्चराइज हुआ था, जिस तरीके का उस समय 26/11 का माहौल था, बेसिकली वो माहौल को तक सजाने की पूरी कोशिश की गई, जहां पे वो सबसे पहले आतंकवादी एक कैफे में आके कैफे में धूम मचाते हैं, तब भी कोई भी सिस्टम अलर्ट नहीं होता है, लेकिन हॉस्पिटल अलर्ट हो जाते हैं और दनादन दनादन मरीज आने लगते हैं। तो बेसिकली ये सीरीज काफी अच्छा पिक्चराइज किया गया है, जहाँ पे मेन एक्टर्स जो आपको हैं बहुत अच्छे से उन्होंने एक्टिंग किया। बेसिकली सीरीज अब एक मूवी कॉन्सेप्ट को आगे ले जा रहा है, कि रिवॉल्यूशन है मूवी वर्ल्ड और बॉलीवुड वर्ल्ड में, कि ये इस तरह के सीरीज हम लोग कनेक्टिंग देखते हैं और कनेक्टिंग में एक फील आता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एक मजा आता है कि आप लंबे समय तक वो सीरीज को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश की गई मुंबई डायरी के एपिसोड 1 में, वो काफी ज्यादा अच्छी लगी और काफी ज्यादा मतलब एक अलग फील आया कि हाँ चलो 26/11 को एक नए तरीके से देख रहे हैं। एक ही टाइमलाइन की स्टोरी हमने पहले भी देख चुका है, लेकिन इस बार हम लोग एक नए तरीके से एक नया इंटरेस्ट जगा के इस सीरीज को देख रहे हैं। तो कैसा लगा ये एपिसोड 1 का रिव्यू, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।